Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, that we had started a video lecture series on the fifth semester syllabus of Jammu University. In the previous lecture, we have understood the emergence and development of sociology in India, and in this lecture, we will understand the two major schools of India. जो आपके सिलेबस में दो मेजर स्कूल्स दिए गए हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ़ थॉट ठीक है एंड लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे जो आपका बॉम्बे जिसे हम आज बोलते हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट और नेक्स्ट में हम फिर समझेंगे लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट लेकिन उससे पहले कि हम बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को स्टार्ट करें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको दोनों को दोनों में समझने हैं जो आपको याद रखने हैं जो बेसिक है इन स्कूल्स को समझने के लिए ठीक है तो बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है स्कूल ऑफ थॉट हम किसे बोलते हैं जब हम बोलते हैं किसी को आपकी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते तो उसका मतलब क्या होता है या कोई आपसे बोलता है स्कूल ऑफ थॉट मीनस सेट ऑफ आइडियाज ये आइडियाज होते हैं सेटअप आइडियाज होते हैं ठीक है बहुत सारे ओपिनियंस भी हो सकते हैं यानी सेटअप ओपिनियंस जिसे हम बोलते हैं सेटअप आइडियाज आर ओपिनियन उनकी व्यू या उनका आइडिया दैट ए ग्रुप जो एक ग्रुप को होता है ठीक है ग्रुप एक से ज्यादा लोग इनका ओपिनियन या इनका आइडिया शेयर अबाउट ए मैटर किसके बारे में किसी भी मैटर के बारे में मैटर हम यहाँ ले सकते हैं कोई भी कंसेप्ट कोई भी रियलिटी कोई भी फिनमिना सोसाइटी में जैसे फैमिली के बारे में मैरिज के बारे में सोसाइटी के बारे में कल्चर के बारे में कस्टम्स के बारे में तो हम स्कूल ऑफ थाट क्या बोलते हैं ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है या ओपिनियंस होते हैं लोगों के ओपिनियंस होते हैं उनके आइडियाज़ होते हैं किसी के किसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जी में हम बोलेंगे कंसेप्टिना के बारे में फैमिली के बारे में मैरिज के बारे में कस्टमर्स के बारे में ट्रेडिशनस के बारे में ठीक है क्राइम के बारे में करप्शन के बारे में जैसे आप देखोगे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं ये लोग जो है ये लोग बोलते हैं जैसे हमारे पास एजुकेशन एक मैटर है ठीक है ये बहुत सारे लोग हैं इनका ओपिनियन ये है इनका स्कूल ऑफ थॉट ये है ये कहते हैं एजुकेशन से डेवलपमेंट हो गया लेकिन कुछ लोग यहाँ से कह रहे हैं नहीं एजुकेशन से सिर्फ डेवलपमेंट हायर क्लास का होता है लोअर क्लास क्या है उनके कंट्रोल में रहते हैं ठीक है या ये लोग कहते हैं क्राइम है हमारे पास ये लोग कहते हैं क्राइम क्या है क्राइम जो है ये किसकी वजह से होता है ये लोग बोल रहे हैं क्राइम गरीबी की वजह से हो रहा है ये लोग बोल रहे हैं नहीं क्राइम गरीबी की वजह से नहीं है क्राइम जो है वो अमीर लोग करवाते हैं अपनी आइडियालॉजी को कंट्रोल रखने में अपनी आइडियालॉजी को डोमिनेट रखने में लोगों को कंट्रोल करने के लिए तो इनके भी आइडियाज हैं इनके भी इनके भी ओपिनियंस इनके भी सेट ऑफ ओपिनियंस है किसके बारे में किसी चीज़ के बारे में तो इसी को हम बोलते हैं स्कूल ऑफ तुम्हारा स्कूल ऑफ क्या है आई बात समझ में सिंपल जैसे हम सुशाल जी में बोलते हैं स्कूल ऑफ थाट ये फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थाट्स है फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थाट या सोशालोिकल परस्पेक्ट किस परस्पेक्टिव से ये फंक्शनलिस्ट परसपेक्टिव से फंक्शनलिस्ट वाले परसपेक्टिव क्या बोलते हैं वो हर किसी चीज़ की फंक्शन देखते हैं सोसाइटी में ठीक है फिर हम बोलते हैं नहीं ये मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव है ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थाट्स है इनका आइडिया ओपिनियन क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो लवर लोगों को कंट्रोल करते हैं ठीक है पॉवर्टी जो है वो अमीर लोगों की वजह से है तो फिर हम इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो इसी को हम सुकुला थॉट बोलते हैं जिसे बोलते हैं सेट अप आइडियाज आर ओपिनियंस दैट अ ग्रुप पीपल शेयर अबाउट अ मैटर किसी भी मैटर के बारे में उनका ओपिनियन या सेट अप आइडिया सिंपल तो होप आपको सुकुला थॉट समझ आया होगा किसे हम बोलते हैं नाउ द पॉइंट इज तो इसी तरह से इन चीजों को याद रखिएगा इसी तरह से फिर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वट इज स्कूल ऑफ थॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट तो यही हो गया मीन सेट ऑफ आइडियाज और ओपिनियंस दैट ए ग्रुप पीपल है अगर आपको ये समझ आया खुद लिखेंगे नहीं तो यही नोट से आपको मिलेगा सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट ऑफ स्कूल ऑफ सोशलिकल ट्रेडिशन इन इंडिया तो उसमें क्या सोशल और इंटेलैक्चुअल क्या थे जो सोशालोजिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया थे सोशालजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन इंट्रोड्यूसड इन इंडिया लार्जली बाय द ब्रिटिश स्कॉलर्स कैसे यहाँ पे डेवलप हुआ सोशलजिकल ट्रडिशन यानी जो ये सोशालजी यहाँ स्टार्ट हुई जी के डिपार्टमेंट्स यहाँ खोले गए जी के ट्रडिशनज यहाँ इंडिया में डेवलप हो गए वो कैसे हो गए जो अभी पहले ही वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा ऑरिजिनल डेवलपमेंट कि जी और सोशल एंथ्रोपालजी है ये एज अ डिसिप्लिन आ रहा प्रोफेशन आया Introducer, इसको इंट्रोड्यूस में लाया गया किसने लाया ब्रिटिश स्कॉलर ने लाया आई बात समझ में हमने वहाँ भी पढ़ा सर पैट्रिक गिड्स ने कोला डिपार्टमेंट फिर यहाँ के लोग वहां गए उन्होंने वहां स्टार्ट किया पढ़ना तो धीरे धीरे यहाँ के स्कॉलर्स बने और जब आजादी हुई तो फिर यही के डिपार्टमेंट्स और यही के ऑर्गेनाइजेशन बने तो ये ब्रिटिश स्कॉलर्स ने कोला एट द टाइम कब व्हेन इंडिया वाज सिटल ब्रिटिश कॉलोनी जब सेटल इंडिया क्या था ब्रिटिश की कॉलोनी थी कॉलोनी समझ ले आप कॉलोनी मतलब कोई फोर्स रूल कर रहा है किसी पे ठीक है जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया फिर फोर्स रूल किया था इस टेरिटरी पे कब्जा किया था बाय फोर्स ठीक है तो बाईविल नहीं था बाय फोर्स उसको हम बोलते हैं ये कॉलोनी थी किसकी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी समझ आई ये बात तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन इंडिया में आए बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे उन्होंने यहाँ क्या क्रिएट किया उन्होंने यहाँ सोशलॉजी को क्रिएट किया उन्होंने यहाँ सोशलॉजिकल ट्रेडिशन खोले ठीक है समझ में आया इन दिस वे दियर इन दिस वे दैट डीज टू डिसप्ल डिसोपालजी वेर दूट ये ऑफ शूट है किसके ऑफ द इंडियन कॉलोनियल इनकाउंटर जो इंडिया ने कॉलोनियल इनकाउंटर फेस किया था जो कॉलोनियलिस्ट यहाँ आए थे ब्रिटिशर्स तो उसी का यह ऑफशूट है उसी की वजह से क्या आया यहाँ सोशलजिकल डेवलपमेंट सोशालजिकल ट्रेडिशन यानी जो पहले यहाँ सोशलजी आई जो हमने पहले मिलती है ऑरिजिन ऑफ द सोशल वो किसने यहाँ स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया द बिगनिंग ऑफ सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजी टाइड विद द इंडोलॉजी ये किसके साथ टाइड थी इंडोलॉजी सर इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं थ्रू क्लासिकल सेक्रेट टेक्स्ट देखिए जब हम स्टडी सोसाइटी को करते हैं क्लासिकल सर क्लासिकल मतलब होता है क्लासिकल मतलब होता है पुराना जो पहले आया था जैसे हम क्लासिकल सोशलिस्ट बोलते थे हमारे क्लासिकल सोशल कौन है दुर्खेम है अगस्त कोट है ठीक है सेक्रेट में सेक्रेट आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा दुर्खेम में तो सेक्रेट मतलब वो चीज़ें सैक्रेड और प्रोफिन का कंसेप्ट जो होली होती है ठीक है जैसे बुक्स हैं रिलीजन की चीज़ें हैं उनको हम होली बोलते हैं ठीक है थीके? उनको बोलते हैं सैक्रेट टेक्स्ट जब हम अगर हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करेंगे किस से स्टडी करेंगे क्लासिकल सेक्रेड क्लासिकल टेक्ट सेक्रेट टेक्स्ट इंडियाज के क्या है वेदाज हैं पुरानाज़ है ठीक पुरानाज है थीके? तो ये अगर हम इंडियन सोसाइटी को वेदाज के लाइट में जानेंगे ठीक है ऋग्वेद सामवेद आतुर्वेद यजुर्वेद ठीक है इनके लाइट में देखेंगे इंडियन सोसाइटी कैसी थी पुरानाज में देखेंगे या जेनिज़म है या बुद्धिज़म के बुक्स से जानेंगे तो अगर हम इनके लाइट में इन सेक्रेट बुक्स के लाइट में स्टडी करेंगे इंडियन सोसाइटी क्या थी तो उसी को हम इंडोलॉजी बोलते हैं याद रखना ये भी टर्म आ सकती है एग्जाम में स्टडी ऑफ सोसाइटी थ्रू क्लासिकल सेक्रेट टेक्स्ट इज नोन एज इंडोलॉजी समझ आया ये बात तो बिगनिंग ऑफ सोशल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी टाइड विन द इंडोलॉजी जब इंडिया में सोशलजी डेवलप हो गई सोशल सोशलोजी और एंथ्रोपालजी लेकिन वो टाइड थी किस किस और उसके साथ यहां क्या स्टडी किया गया इंडोलॉजी भी उसी के साथ रखी गई इंडोलॉजी स्टडीज डन प्राइमरली बाय द ब्रिटिश स्कॉलर्स जब ब्रिटिश स्कॉलर्स ने यहाँ सोशलॉजी स्टार्ट की बिगिनिंग की सोशल और एंथ्रोपोलॉजी की उसके साथ और एक कंसेप्ट यहाँ रखा गया जिसको हम बोलते हैं इंडोलॉजी इंडियन परस्पेक्टिव में इंडोलॉजी को भी उसके साथ रखा गया और ब्रिटिश स्कॉलर्स ने यहाँ की इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया सोशालोजी एंथ्रोपोलॉजी द इंडोलॉजी मीनस स्टडी ऑफ सोसाइटी थ्रू द क्लासिकल टेक्स्ट ठीक है समझ आई बात तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला गया था जहां ये तीनों को एक साथ स्टडी किया जाता था तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन खोला गया था वो सर विलियम जोनज़ ने खोला था 1746 से 194 फोर एम नोट इंडोलॉजिस्ट ये भी एक इंडोलॉजिस्ट थे फाउंडेड ए सिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1784 याद रखना ठीक है, है तो यहाँ इन तीन चीज़ों तीनों की स्टडी साथ की जाती थी किसको इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए कॉलोनियल पावर अंडरस्टूड उसके बाद कॉलोनियल पावर जो था ब्रिटिशर्स थे उनको समझ में आया एंड स्टडीड इंडिया उन्होंने स्टडी किया यहां कि इंडिया एज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इंडिया जो है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है ठीक है ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है मॉडर्न सोसाइटी नहीं है ये क्या है ट्रेडिशनल सोसाइटी है ठीक है देन लेकिन उसके साथ आपको याद रखना है सब इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इसी के साथ साथ क्या हुआ था इसी के साथ साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारा कौन सा था वो मूवमेंट जो आजादी के लिए लड़ रहा था ठीक है तो वो मूवमेंट भी उस वक्त स्टार्ट था स्कॉलर्स एंगेज इन बोथ द डिसिप्लिन जो स्कॉलर्स थे वो एंगेज हो गए इन दोनों डिसिप्लिन के साथ ठीक है इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट भी हो गया उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी स्टडी कर रहे थे लेकिन यहाँ से जो इंडियन के स्कॉल थे जो इंडिया के स्कॉल थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रही थी और यहाँ के जो स्कॉलर्स थे एंगेज इन बोथ द डिसप्ल ये बोथ द डिसप्लिन के साथ एंगेज हो गए यानी दोनों के साथ स्टडी कर एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी भी चार्टेड आउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी कीपिंग द बाइनरीज लेकिन इंडिया के जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अंडरस्टैंड किया सोसाइटी को कीपिंग द बाइनरीज ऑफ द कॉलोनीज एंड कॉलोनियल पावर देखिए उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ साथ स्टडी किया ब्रिटिशर्स क्या स्टडी कर रहे हैं और वो तीन जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला वो तीन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं ठीक है सोशलजी एंथ्रोपोलॉजी इंडोलॉजी के साथ साथ ठीक है अपने व्यूज दे रहे हैं ब्रिटिशर्स वहां से ब्रिटिश के स्कॉलर्स लेकिन इंडियन स्कॉलर्स ने क्या किया इंडियन स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी को बाइनरीज ऑफ कॉलोनीज में समझा बाइनरीज ऑफ बाइनरीज का मतलब क्या होता है देखिए बाइनरीज ऑफ याद रखिएगा ये बार बार टर्म यूज़ होती है बाइनरी का मतलब होता है टू पार्ट्स या टू पियर्स जैसे दो पियर्स में आपको हर कोई रियलिटी समझनी है जैसे बैकवर्ड मॉडर्निटी बैकवर्डनेस और मॉडर्निटी ट्रेडिशन मॉडर्निटी तो इंडियन स्कॉलर्स क्या थे वो सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे अंडरस्टैंड कर रहे थे कीपिंग द बाइनरीज ऑफ जो कॉलोनी की बाइनरी थी उसको समझ उसके साथ साथ और कॉलोनियल पावर्स को समझ वो ट्रेडिशन को भी समझते थे और मॉडर्निटी को भी समझते थे साथ साथ दोनों को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली समझते थे कि इंडियन सोसाइटी अगर ट्रेडिशन थी तो ट्रेडिशनल कैसे थी अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए उन्होंने मॉडर्निटी यहाँ लाई तो कैसे इंडियन सोसाइटी पहले क्या थी अब क्या है तो बाइनरी में समझते थे दोनों चीज़ों में अपोजिट अपोजिट वे में ठीक है आया समझ में प्रोग्रेस एंड बैकवर्डनेस प्रोग्रेस कितनी हुई बैकवर्डनेस कितनी है तो दोनों कुछ समझते थे कौन इंडियन स्कॉलर्स याद रखना ठीक है सो so, फिर हम क्या कहते हैं श्रीनिवासन एंड जो पानी थे हैव आउटलाइनड द थ्री फेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ़ द डिसिप्लिन इन इंडिया श्रीनिवासन और जो पानी थे उन्होंने कहा कि जो डिसिप्लिन जो डेवलपमेंट ऑफ सोशलजी का हुआ इंडिया में वो थ्री फेजेस में आया क्या आया थ्री फेजेस में क्या क्या थ्री फेजेस थे फर्स्ट इन्होंने कहा बिटवीन सेवनटीन से लेकर नाइनटीन तक इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल फेज पहले डेवलपमेंट फाउंडेशन हम कहते हैं ना जब हम मकान बनाते तो पहले इसके नीचे लगाते फाउंडेशन स्टार्ट तो फाउंडेशन ये थी इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशल होगा सेकंड उन्होंने कहा नाइनटीन जीरो वन से लेकर नाइनटीन फिफ्टी तक ये प्रोफेशनलाइजेशन हो गई सोशालजी की और सेवनटी थ्री से लेकर नाइनटीन एटी तक फिर सपोर्ट मैकेनिज्म यानी कि फिर सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए जिससे क्या मिला एक सपोर्ट मैकेनिज्म मिला कि उसको सब्जेक्ट को फहरिश करना ठीक है ये भी याद रखना नाउ स्कूल ऑफ थॉट्स अब हम स्कूल ऑफ थॉट्स को समझते हैं दो कंसेप्ट है इंडियन सोशोलॉजी डेवलप हो गई यह ऑफ शूट था कॉलोनियल इनकाउंटर उसकी वजह से उससे पहले भी हमने पढ़ा लेकिन इंडियन सोशल जब डेवलप हो गई उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला गया जिसका नाम था एसिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वहां क्या समझा गया एंथ्रोपोलॉजी इंडोल एंथ्रोपोलॉजी सोशल इंडोलॉजी को याद रखना तो वहां ब्रिटिश को पता चला इंडियन सोशलॉजी क्या है इंडियन सोसाइटी जो है ये बैकवर्ड लेकिन इंडिया के जो स्कॉलर्स थे वो हर किसी चीज को इंडियन सोशल को क्या समझते थे बाइनरीज में समझते थे ठीक है दोनों को साथ साथ अपोजिट पेयर्स में समझते थे ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ समझते थे प्रोग्रेस को बैकवर्डनेस के साथ समझते थे ठीक है नाउ टू स्कूल ऑफ था जो अब हमारे सिलेबस में दिए गए हैं टू स्कूल ऑफ थाट्स सो मेजर इंपैक्ट इनका मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको आपको याद रखने हैं स्कूल ऑफ थाट्स के ठीक है टर्म सकूल नीड टू बी कॉशियसली यूज एज इन द अगर हम इंडियन सेंस में इन दो स्कूल को याद करेंगे स्ट्रिक्ट से सेंस में इंडिया में दो स्कूल ऑफ थाट जो हैं इनमें कुछ चीजें आपको काशियसली याद रखने हैं कि इन चीजों इन दोनों को आपको काशियसली समझना है ठीक है क्यों सर क्यों देखिए क्यों अगर आपको आपके दिमाग में यह कंसेप्ट होगा कि हमने जब सुशाल जी को समझा था वहाँ हमने दो स्कूल ऑफ थाट जैसे समझते हैं सोशालजी के बारे में सेंथटिक स्कूल फार्मलिस्टिक स्कूल तो उनके व्यू पॉइंट सेम थे उनका बैकग्राउंड भी सेम था या हमने वहाँ या अगर आपने पढ़ा होगा फंक्शनलिस्ट को अलग से समझा है और मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव वालों को अलग से समझा है इंट्रैक्शनिस्ट वालों को अलग से समझा है या उसमें हम समझते हैं कुछ लोग सुशाल जी में आए थे फ्रैंकफर्ट स्कूल से फ्रैंकफर्ट स्कूल जो थे ये मार्क न्योमार्कसिस्ट थे और उसके साथ शिकागो में आए थे वो अर्बन सोशल जस्टिस थे तो यहाँ से जो भी सोशल जस्टिस आए वो अर्बन सोशल जस्टिस बने उन्होंने अर्बन सोशल जी पे काम किया तो सेम सेम उनके आइडियाज थे फ्रैंकफर्ट स्कूल से जो भी आए वो न्योमार्क्सिस्ट थे उन्होंने वो न्योमार्कसिस्ट परस्पेक्टिव को फॉलो कर रहे थे लेकिन इंडिया में टू स्कूल ऑफ थाट्स का ये नहीं है याद रखो इंडियन स्कूल ऑफ थाट इज नॉट लाइक द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थाट ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ थाट नहीं है जैसे फ्रैंकफर्ट एंड शिकागो स्कूल है इसका मतलब क्या है ये दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं ये अलग अलग दो स्कूल हैं यहाँ से सोशालजिस्ट निकले हैं खाली उनके आइडियाज सेम नहीं है उनके आइडियाज जो हैं वो टोटली डिफरेंट है याद रखना उनकी मैथोडोलॉजी भी डिफरेंट है उनके आइडियाज़ भी सेम नहीं हैं जैसे फंक्शनलिस्ट वालों के सब के आइडियाज सेम है मार्क्सिस्ट वालों के सिर्फ या फ्रैंकफर्ट स्कूल में नियो मार्क्सिस्ट निकले उनके सब के आइडियाज़ सेम है वो मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हैं शिकागो स्कूल ये शिकागो पर यानी अर्बन जी पे काम करते हैं इनके डिफरेंसेस अलग अलग है इनके आइडियाज़ सेम नहीं है ठीक है सर फिर क्यों इनको हम बोलते हैं दो स्कूल ऑफ टू स्कूल ऑफ इंडियन

वो उसने उसने इंडियन सोसाइटी को को मार्क्सिस्ट से समझा लेकिन जेएस गोरी ने इंडोलॉजिकल इंडोलॉजिकल मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को जो क्लासिकल टेक्स्ट सेक्रेट टेक्स्ट से उनके लाइट में इंडियन सोसाइटी को समझा ठीक है लेकिन दोनों बिलोंग करते हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से ठीक है बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं लेकिन इनके अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस हैं परस्पेक्टिव डिफरेंसेज है ठीक है लेकिन बिलोंग करते हैं एक ही स्कूल से एक ही जगह से दोनों निकले हैं एक ही जगह से दोनों ने पढ़ा है यहाँ पढ़ाया है सो वन हैज टू बी स्टडी देम एज दियर द स्पाइटल लोकेशन लोकेशन स्पाइटल का मतलब होता है ये एक ही एरिया से आए हैं बस लेकिन उनका जो था वो अलग अलग था स्पाइटल लोकेशन मतलब दोनों एक ही एरिया से दोनों एक ही स्कूल ऑफ था से निकले हैं दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या एक ही कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं ठीक है सिमिलरली हम कहते हैं राधा कमल मुखर्जी डी पी मुखर्जी जो बहुत है बिलोंग तो टू लखनऊ स्कूल ऑफ थाट ये दोनों बिलोंग कर हैं लखनऊ स्कूल ऑफ थाट को ठीक है लेकिन इनके आइडियाज अलग अलग है ठीक है रधा कमल मुखर्जी ट्रेनड इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट थे ही हैड एक्सपेरिमेंटेड विद द सोशल इकोलॉजी ने सोशल इकोलॉजी पे काम किया है ठीक है डी पी मुखर्जी जो थे ये हिस्टोरियन थे एंड मार्क्सिस्ट ने फॉलो किया इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए तो समझ में आया आपको सो टर्म स्कूल इन इंडियन हैज टू लिमिटेशन इसके दो लिमिटेशन आपको याद रखने हैं ठीक है थेका? क्या क्या डिफरेंस विद इन द स्कूल विद इन द स्कूल डिफरेंस है स्कूल क्या होता है उसका मतलब होता है इनके थाट अलग अलग है इनके थॉट प्रोसेस इनके मेथोडोलजीज अलग है इन्होंने अलग चीजों से तरीके से सोसाइटी को समझा एक ने मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से समझा दूसरे ने किसे इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव से समझा ठीक है ये समझ में आया दूसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बाई अदर सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु डिड नॉट बिलोंग टू नी स्कूल बहुत सारे सोशलिस्ट वो भी है जिन्होंने बहुत सारा काम किया इंडियन सोसाइटी में जो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग नहीं करते हैं ना ही वो बॉम्बे स्कूल से है ना ही वो लखनऊ स्कूल से तो ये इसके दो लिमिटेशन है